अगर आप एक मोबाइल गेमर हैं तो एसर की प्रेडिटर सीरीज से आपका जरूर वास्ता होगा। जी हाँ, एसर के प्रेडिटर लैपटॉप्स गेमिंग के लिए काफ़ी मशहूर हैं क्योंकि ये पावर के साथ साथ एक अच्छा डिज़ाइन लैंग्वेज देते हैं और वो आपके वॉलेट पर भारी भी नहीं होता। और आज ईफा 2019 में अपने इवेंट के दौरान कंपनी ने इस लाइनअप को और एक्सपेंड किया विद द लॉन्च ऑफ प्रेडिटर ट्राइटन 300। ये प्रेडिटर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल लैपटॉप है और कंपनी ने साथ ही साथ एसर प्रेडिटर ट्राइटन 500 को अपडेट भी किया। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि इन दोनों लैपटॉप से आपको क्या मिलता है। तो बात करें अगर प्रेडिटर ट्राइटन 500 की, तो इसमें कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं हुआ है पिछले वर्जन से जो आपको एक्सटर्नली दिखेगा। डिज़ाइन लैंग्वेज वाइज ये बहुत सेम है, आपको सारे पोर्ट ऑप्शंस मिलेंगे जो कि एक अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट है, ईथरनेट सॉकेट है जो गेमिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप ए पोर्ट है विथ 3.0 टेक्नोलॉजी, HDMI पोर्ट, माइक और हेडफोन सॉकेट है, हीटिंग इजेक्शन है, यहाँ पे दो और USB पोर्ट्स हैं, लॉक पोर्ट और एक टाइप सी पोर्ट भी। तो काफ़ी मतलब पोर्ट्स के मामले में अच्छा है। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत हल्का है, बट कंपेयर टू मेनी गेमिंग लैपटॉप्स ये बहुत भारी भी नहीं है। इसका वेट 2.1 kg के अराउंड होगा, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर अ लैपटॉप ऑफ इट्स साइज। तो डिफरेंस क्या है? जी, सबसे बड़ा डिफरेंस है इस लैपटॉप में, अब आपको 300 Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। जी हाँ, 15.6 inch का जो ये पैनल है, पहले अब तक इसमें आपको 240 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता था, नाउ यू कैन गेट अप टू 300 Hz रिफ्रेश रेट, जो गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। एंड ये गौर करने वाली बात है कि 300 Hz रिफ्रेश रेट सिर्फ एसर ने निकाला है और आज ही के दिन एसर ने भी अपने लैपटॉप में निकाला है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सबसे लेटेस्ट ट्रेंड इन द डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, देन ऑब्वियसली प्रेडिटर ट्राइटन 500 इज़ द डिवाइस फॉर यू। हम बात करें प्रेडिटर ट्राइटन 300 की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने इसमें अफोर्डेबल बनाया है, बट इसमें कोई कमी नहीं रखती है। आप देख सकते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है, एल्युमिनियम बिल्ड है दोनों में ही, तो ये काफ़ी रोबस्ट है, आप मतलब काफ़ी सॉलिड लग रहा है। ऑल्दो स्क्रीन को अगर मैं प्रेशराइज करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्लेक्स हो रहा है, जो कि प्रेडिटर ट्राइटन 500 में भी था। सो उसमें अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। आप देख सकते हैं पोर्ट्स के मामले में आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, सारे के सारे पोर्ट्स इसमें भी हैं जैसे कि आपको प्रेडिटर ट्राइटन 500 में थे। एंड राइट साइड में भी आपको चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, एक और USB पोर्ट मिलेगा एंड हेडफोन सॉकेट भी है। इंटरेस्टिंगली ये थोड़ा सा भारी है एज कम्पेयर टू ट्राइटन 500, बट इतना भी नहीं कि आप इसको बैकपैक में ना कैरी कर सकें। दोनों ही लैपटॉप आप इजिली बैकपैक में कैरी कर सकते हैं एंड दोनों का ही कीबोर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, कीबोर्ड में अच्छा ट्रैवल है। लेट मी जस्ट ट्राई टाइपिंग समथिंग। आप देख सकते हैं मेरे को कोई टाइम नहीं लग रहा है इस कीबोर्ड लेआउट को समझने में एंड मैं काफ़ी इजीली अच्छे से टाइप कर पा रहा हूँ, तो दैट्स प्रीटी गुड। अच्छा ट्रैवल है, नमपैड भी आपको डेडिकेटेड मिल रहा है और इंटरेस्टिंगली इसमें एक टर्बो की भी है जो आपको टर्बो मोड इनेबल करने में मदद करेगी। सो इफ़ यू आर अ गेमर तो टर्बो मोड इज़ फॉर यू। हार्डवेयर की बात की जाए तो दोनों ये लैपटॉप से 15.6 inch का डिस्प्ले है विथ फुल HD रेजोल्यूशन, ये IPS पैनल है, ब्राइटनेस में हमें कोई कमी नहीं लग रही है इन दोनों ही लैपटॉप्स में, अभी ये फुल ब्राइटनेस में है। लेट मी जस्ट ट्राई रिड्यूसिंग इट अ बिट, तो ये 25% ब्राइटनेस है प्रेडिटर ट्राइटन 500 की, विच इज़ नॉट बैड, 50% इज ऑल्सो गुड एंड ऑब्वियसली 100% तो मैक्सिमम ब्राइटनेस है जो इनडोर सेटिंग में अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आउटडोर सेटिंग्स में भी यू कैन ईजली सी द डिस्प्ले। और इंटरनल्स की बात करें तो दोनों में ही आपको इंटेल का 9th gen प्रोसेसर मिलेगा कॉफी लेक सीरीज का, एंड जहां आप प्रेडिटर ट्राइटन 500 को i7-9750H के साथ पा सकते हैं, प्रेडिटर ट्राइटन 300 भी i7-9750H के साथ मौजूद है, विच इज़ गुड। सो आपको i7-8750 और 32 GB रैम मिल रही है जो कि इसकी मैक्सिमम रैम है इसमें। इसमें भी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या आपको कॉन्फ़िगरेशन है इस लैपटॉप की डेमो वाले यूनिट की। सो इसमें आपको 16 GB रैम मिल रही है लेकिन प्रोसेसर इज सेम i7-8750H। एंड स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें मिलती है अप टू 1 TB SSD, आप देख सकते हैं। इसमें 512 GB की SSD है एंड टाइटन में भी Acer Triton 300 में भी 512 GB की SSD। ग्राफिक्स के मामले में दोनों लैपटॉप में काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि इसमें
300Hz refresh rate मिलता है तो of course इसमें आपको graphics power ज़्यादा चाहिए और इसीलिए इसमें आपको Nvidia का 2070 graphics card तक का मिलेगा पर आप इसको 2060 के साथ भी ले सकते हैं जबकि जो Triton 300 है इसमें आपको GTX 1650 मिलेगा जो कि one of the most affordable GPUs है Nvidia के lineup में जो कि ray tracing capability के साथ आता है otherwise दोनों ही laptops काफी interesting लग रहे हैं दोनों ही laptops में आपको latest technologies मिल रही हैं and battery life भी company claim कर रही है कि 8 घंटे तक चलेगी which is interesting because gaming laptops की battery उनका सबसे बड़ा downside होता है प्राइसिंग की बात की जाए तो मेरे तो Triton 500 165,999 का पड़ेगा और ये इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है परचेज के लिए जबकि Triton 300 अगले महीने में आएगा लेकिन इसकी प्राइसिंग अभी हमें नहीं पता लेकिन ऑब्वियसली ये कंपेयर टू Triton 500 थोड़ा अफोर्डेबल होगा जो कि एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जिनको गेमिंग पावरफुल गेमिंग लैपटॉप चाहिए विथ ऑल दी फीचर्स एंड गुड डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग So we will of course review both these laptops on 91 mobiles. So उसके लिए जुड़े रहिए and IFA 2019 की और कवरेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. This is Nikanj signing off.